सुशील मोदी जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि बहुत लोग स्पष्टता चाहते हैं, जिसमें एक उदित राज भी शामिल है। उन्होंने कहा कि 50% आरक्षण का हवाला दे देकर इस देश की सर्वोच्च अदालत ने अन्य आरक्षण की मांगों को खारिज किया, लेकिन इस बार वो कैसे मान गए जब सवर्णों की बात हो रही थी। उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मानसिकता पर प्रश्न खड़ा किया है। सवाल नंबर एक, क्या ये आरक्षण 50% के अंदर होगा, और अगर राज्यों में ये 50% से ऊपर जाता है तो फिर इसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? दोनों पर आपका जवाब। नहीं देखिए, पहला तो मैं राष्ट्रीय जनता दल के बारे में बोलना चाहूंगा कि अभी ये गलत बयानी कर रहे थे। जो संविधान संशोधन विधेयक आया, जिसका कि मनोज झा और जयप्रकाश यादव ने केवल विरोधी नहीं किया बल्कि विरोध में मतदान किया, यानी केवल राज्यसभा में 7 लोग थे जिन्होंने विरोध में मतदान किया। इसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और DMK थी और राष्ट्रीय जनता दल, और संविधान संशोधन विधेयक में कहीं 8 लाख का जिक्र नहीं है। जो 4 पेज का छोटा सा संशोधन था जिसके द्वारा संविधान की धारा 15 और 16 में एक नई उपधारा को जोड़ा जा रहा था, इसलिए अभी जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग करीब 8 लाख का विरोध कर रहे थे, तो जब ये डिबेट हुई लोकसभा में या राज्यसभा में तो उस समय 8 लाख का जिक्र ही नहीं था। ये तो पहले सिद्धांत रूप में है कि 10% का आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो इन लोगों ने विरोध किया। और ये स्वर्ण मानसिकता विरोधी लोग हैं, इन लोगों ने बिहार में भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था, तो ये तो वो पार्टी है जो सवर्णों को गालियां देती रही, सवर्णों के खिलाफ लड़ती रही। इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब इन लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इस बिल के विरोध में मतदान किया। अब राजद के लोग किस मुंह से जाएंगे बिहार में वोट मांगने के लिए सवर्णों से, कहते कि हम A to Z की पार्टी है। अगर A to Z की पार्टी है तो सवर्णों को अगर पहली बार कोई आरक्षण का लाभ मिल रहा था तो आपने क्यों विरोध किया? अब ये बाएं दाएं झांक रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। और रघुवंश बाबू जी, उनके पार्टी के बड़े नेता थे, बार बार यही कहते थे कि लालू जी ने बहुत बड़ी गलती की है इसका विरोध करके। और अंतिम दिनों में रघुवंश बाबू को इस्तीफा देना पड़ा, एम्स के बेड पर से इन्होंने इस्तीफा पत्र भेजा। जगताप बाबू, 2 बड़े सवर्ण नेता थे इनके पार्टी में, एक ने इस्तीफा दे दिया अंतिम दिनों में, और जगताप बाबू 1.5 महीने से इनके पार्टी में नहीं आ रहे हैं। और एक नेता है जिनके घर में AK-47 मिला, अनंत सिंह, जिनकी पत्नी भी चुनाव जीत कर आई है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल को जवाब देना होगा कि वो किस मुंह से जाएंगे सवर्णों से वोट मांगने के लिए। और ये गलत बयानी कर रहे हैं 8 लाख छह, ये तो अलग मुद्दा है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ जिसका फैसला आएगा। ये तो एक सिंपल संविधान संशोधन विधेयक था। और एक बात मैं और बता दूं, नरसिंहा राव की सरकार ने 1991 में एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। और इसलिए खारिज कर दिया कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से 4 लाइन का आदेश था। नरेंद्र मोदी जी ने बकायदा संविधान में संशोधन करके और ये प्रावधान किया है। इसलिए नरसिंहा और कांग्रेस के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने 93 में खारिज कर दिया नरसिंहा राव के प्रस्ताव को, तो 25 साल तक वो क्यों चुप रहे? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी के समान संविधान में संशोधन का प्रस्ताव लाते? इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सोच समझकर और सभी लोगों का सहयोग लेकर ये संविधान संशोधन विधेयक लाया, और आज मुझे खुशी है कि 3-2 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वैधता की मोहर उस पर लगा दी है। ठीक है मृत्युंजय जी, जवाब आपसे बनता है। मनोज झा ने EWS कोटा को मिडनाइट रॉबरी कहा था, यानी आधे रात की चोरी डकैती कहा था, और आज आपने बड़ी सफाई से और चतुराई के साथ जब ये फैसला कोर्ट का आया तो उसको आपत्ति बताकर निकल गए। उन्होंने तो उसे डकैती बताया था आधी रात का। देखिए अंजना जी, हाँ, आदरणीय सुशील मोदी जी जिस बात को कह रहे हैं मैं उनका सम्मान करता हूं, अभिभावक के समान है, लेकिन ठीक है उनकी भी मजबूरी हम समझ रहे हैं, उनको राष्ट्रीय जनता दल का विरोध हर मुद्दे पर करना है। अरे जो मैं कह रही हूँ वो सही है या गलत है मिस्टर तिवारी? लेकिन हम लोग सुशील मोदी के मन में क्या है, करियर में क्या है, वो डिस्कस करने नहीं बैठे हैं। आवाज नीचे कीजिए इनकी। मैं एक बार फिर से आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ सर, प्रश्न का जवाब दीजिए। सुशील मोदी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे वो अलग बात है, आज हम आरक्षण पर बहस कर रहे हैं, सुशील मोदी और उनके करियर पर नहीं। मेरा प्रश्न आपसे साफ है, जब मनोज झा ने इसका विरोध किया, उन्होंने मिडनाइट रॉबरी से करार दिया था,
तो फिर आज आप कैसे कह रहे हैं कि हम इसके विरोध में नहीं है, हम इसके आपत्ति चुकी, क्या ये कोर्ट के फैसले का साइड इफेक्ट है कि आप लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया? नहीं 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 नहीं, 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 नहीं कोई हृदय परिवर्तन होने का कहां सवाल है। हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी तो A to Z की बात कर रहे हैं और सारे लोग साथ हैं, तब ना हम आज सरकार बना रहे हैं। 7 दलों का गठबंधन है, बाकी अकेले अलग थलग बीजेपी पड़ी हुई है। इनको न स्वर्णों से मतलब है, न पिछड़ों से मतलब, न किसी से मतलब नहीं है। ये तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर लड़ाने वाले। हमारी जो बात मनोज झा जी ने राज्यसभा में कही थी, उस बात पर वो पार्टी का स्टैंड था, जिस तौर तरीके से लाया गया था उसका विरोध था। लेकिन जब इस मुद्दे पर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 3-5 में से 3 बेंचों ने बहुमत से जो फैसला सुनाया है, उसका हम सम्मान करते हैं माननीय न्यायालय का। लेकिन सवाल है कि आज इस पूरे जो फैसले आए हैं, इस पर हमारा पार्टी का नेतृत्व समीक्षा करेगा, इसके बाद अपनी बात रखेंगे। तो अभी तक समीक्षा नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, समीक्षा हम तो कर रहे हैं। जब माननीय समीक्षा, तो हमारा स्टैंड तो आपको पता है, उस बार आपने देखा महिला आरक्षण को लेकर भी क्यों हम लोग आरक्षण में आरक्षण की बात कर रहे थे, जाति जनगणना की बात क्यों हो रही है। ठीक है, सुशील मोदी जी जवाब दीजिए। हमने पहले भी कहा जिसकी संख्या कितनी है, कौन भीख मांग रहा है, कौन रिक्शा चला रहा है, ये इसकी संख्या तो होनी चाहिए ना। ठीक है, गौरव भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील जी, एक टिप्पणी आपकी तरफ से सर। नहीं, केवल मैं इतना ही कहूँ कि इन्होंने केवल विरोध नहीं किया, विरोध में मतदान किया। अब उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते, यहां तक कि जिग्नेश मेवानी के साथ 29 जनवरी को तेजस्वी यादव और जिग्नेश मेवानी ने दिल्ली में सम्मेलन किया EWS आरक्षण के विरोध में। ये तो हमेशा विरोध करते रहे, अब किस मुंह से कर रहे हैं, बाएं दाएं झांक रहे हैं, 8 लाख और 4 लाख और बाकी। आपने तो मतदान किया है ना, जो मिडनाइट रॉबरी तो भाषण का अंश था, लेकिन आपने कल भाषण नहीं किया, कुछ मुद्दों को नहीं उठाया, बल्कि आपने उस बिल के विरोध में मतदान किया, जबकि सारे दलों ने समर्थन किया, केवल DMK और RJD को छोड़कर और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को छोड़कर बाकी सभी दलों ने इस बिल का साथ दिया, लेकिन आपने तो विरोध में मतदान किया। अब आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हमने विरोध करना हमारा गलत नहीं था, अब आप उसके बारे में कुतर्क कर रहे हैं।